हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। रस मलाई तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन इस बार हम इसे कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। बहुत ही जल्दी और आसानी से तैयार हो जाती है, इसलिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में 1 लीटर दूध गर्म करेंगे। थोड़ा गर्म होने के बाद उसमें 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। अगर आप चाहे तो थोड़ा सा केसर भी ऐड कर सकते हैं। अब आधा कप कस्टर्ड पाउडर पानी में मिलाकर ऐड कर लें। साथ में 100 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क के साथ थोड़े से पिस्ते डालकर इसे 10 मिनट तक पकने देंगे। अब व्हाइट ब्रेड को बीच में से वीडियो में दिखाए गए तरीके से कट कर लेंगे। दो ब्रेड्स के बीच में थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क स्प्रेड कर लेंगे। ब्रेड के ऊपर बनाए हुए कस्टर्ड को डालकर इसे 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ दें, ताकि ब्रेड सारे फ्लेवर्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद आप इसे खा सकते हैं। ये बिल्कुल रसमलाई जैसी ही लगेगी। तो इसी के साथ हमारी मज़ेदार सी ब्रेड मलाई तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये आसान सी रेसिपी पसंद आएगी। अगली एक्साइटिंग रेसिपी के साथ जल्दी मिलेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए गुड बाय।